नवीन कुमार सिंह, बस इनका भी परिचय यही है, साउथ कोरिया से हमारे साथ जुड़ते हैं हर प्रोग्राम में, और कुछ कविताएं इनकी पिछले कार्यक्रमों में एकदम दिल को छू गई थी और हम लोगों ने उसकी काफी प्रशंसा भी की थी जो है, और मैं चाहता हूं कि मतलब उसी तरह की प्रस्तुति वो करें और हमारे देशवासियों को तथा हिंदी भाषी जो जितने भी लोग हैं उनको भी अपनी तरफ से एक संदेश दें। तो नवीन कुमार सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। नवीन कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है। पहले मैं इस मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध जनों को सादर प्रणाम करता हूं, और इस मंच की जो इस मंच का जो स्तर मुझे दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं बच्चा ही हूं हर तरीके से। तो सबसे पहले फेसबुक पेज पे मेरे गुरु श्री अरविंद सिंह भी जुड़े हैं, उनको प्रणाम, और हिंदी अकादमी मुंबई और हिंदी साहित्य जबलपुर को धन्यवाद जो जिन्होंने यह मौका दिया मुझे, और सभी लोगों को सादर प्रणाम। इसी के साथ मैं कविता दो है, तो समय सीमा को देखते हुए मैं जल्दी से शुरू करता हूँ। पहली कविता का शीर्षक है, और यह मंच इतना महत्वपूर्ण है कि मैं काफी सोचता रहा कि कौन सी कविता चुनूं ताकि जो है आवाज को और एको मिले, जैसे इस मंच पे हमने बोला तो और जो है बहुत जगह पे प्रस्फुटित होगा वो। तो प्रमोटर से मैंने पूछा भी कि कोई विषय है सर, सर ने कहा नहीं, तो और दुविधा में डाल दिए। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला विषय है आगामी। तो आगामी का मतलब है कि कन्या भ्रूण है जी, आगामी। अब कन्या भ्रूण है और बहुत सारे नियम कानून है, उसके बावजूद भी बहुत सारी ये सब भेदभाव हो रहे हैं समाज में। आप सिटी से थोड़ा बाहर जाइए तो वहां दिक्कतें हैं। तो तीन चरण में कविता है। तो पहला चरण कि जब माता गर्भ धारण करती हैं तो उनके भावों को समेटती हुई, मैंने देखा है शून्य से संसार बनते हुए, मैंने देखा है शून्य से संसार बनते हुए, कुछ भी नहीं मैं जिंदगी पनपते हुए, कुछ भी नहीं मैं जिंदगी पनपते हुए, उम्मीदों का घोंसला बुनते देखा, एक तरल में तराने बनते देखा, मैंने देखा। ब्रह्मांड में नए तारे को टिमटिमाते देखा, अंदर उम्मीदों का दिया जलते देखा, आंखों को आंखों में बातें करते देखा, मैंने आईने के अंदर एक आईने को देखा। बहुत खूब। उस आईने को ताप में तपते देखा, अंतस पर आंच ना आए खुद को पिघलाते देखा, भक्षियों से दो दो हाथ करते देखा, मैंने गांव को सिंहनी बनते देखा। बाज को रिवाजों से बाजते देखा, छाया को बचाती काया को देखा। तो ये था पहला चरण। दूसरे चरण में ये है कि जो वर्तमान स्थिति है, नारी सशक्तिकरण की बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है उसके कई सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण मैंने यह ढूंढने का प्रयास किया है। पोथी पतरों पुराणों में, हाथों माथों की लकीरों में, कुंडलियों कमंडलियों में, तेरी रस में, आरती चालीसों में, मानस की चौपाइयों में, रामायण के श्लोकों में, मैंने किसी और को चाहते देखा। हम पढ़ते चालीसा में आरती लिखा था बाझन को पुत्र दे, इसी में सब हो गया, बाझन भी हो गया, पुत्र भी से, डबल अटैक। तो किसी और को चाहते देखा, मैंने शांता को हर जगह सिसकते देखा, गुमनामी में खुद को खोजते देखा, दशरथ को शांता का गोदान कर रामलला का वरदान पाते देखा, कौशल्या की छाती को रोते देखा, मन में इक्ष्वाकुकुल को कोसते देखा,
मन में इक्ष्वाकु कुल को कोसते देखा, लोगों को खुद की रौंद कर नवमी में तुमको खोजते देखा, मैंने देखा। तो धन्यवाद मैडम। कविता का नवीन जी आपने उस दिन जो कविता पढ़ी थी प्रतियोगिता में, वो वाली सर, वो आपकी, हाँ वो रचना अगर प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा जी सर, जी सर, वो तो सर काफी बड़ी है, मैं पढ़ता हूँ सर। पढ़िए पढ़िए। कितने मिनट की है सर? 5 मिनट तो लग ही जाएगा, तो उमा जी के बाद पढ़िएगा, इसके पहले उमा जी को आमंत्रित कीजिए, आलोक जी। अच्छा जी सर, हाँ। सर तो ये वाली रचना सुनिए उसमें सर, इस कविता का अंतिम चरण है। इस जो कविता थी उसका अंतिम चरण है कि जो भ्रूण है 3-4 महीने में पता चलता है और उसको संसार में आने से रोक दिया जाता है, तो उसकी जो पीड़ा है उसको शब्दों में मैंने व्यक्त करने का प्रयास किया है, तो उसके भाव को मैं प्रस्तुत करता हूँ। भ्रूण के भाव है, किस कलम से कथा लिखे हो, किस कलम से कथा लिखे हो, मेरी अधूरी सांसों की व्यथा लिखे हो, स्याही है जरा देखो मेरा लहू भरे हुए हो, मेरा लहू भरे हुए हो। जिंदगी पनपती जिस खेत में, कितनी सांसें घुटी हैं उस रेत में, मन चाहा फल खाने को कितनी रेत दी सेत में। कर्ज मेरा ज्यादा न था, उधारी धड़कनों का खास वादा न था, कुछ खून कुछ पानी कुछ महीनों की मेरी कहानी। माफ करना उम्मीद का दिया न बनी, तेल कम था और तूफान से थी ठनी, कोई जो आड़ देता बच जाती, क्या पता आगे तुम पछताती। सर एक कविता हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। नवीन जी बहुत संवेदनशील सब्जेक्ट को आप उठाते हैं और पूरा दिल को छूते हैं आप। जो आपकी कविता, आपकी जो रचना होती है ना, वो ऐसा सुनने में तो लगता है मामूली नहीं होती है, बहुत गहराई से आप लिखते हैं इसको। इसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ, और अभी आपकी एक प्रस्तुति बाकी है, आप उसकी तैयारी करिएगा जो है। और ये कविता जो आप अभी पढ़ने वाले हैं, ये कविता आपको बहुत जगह पढ़वाई जाएगी, उसकी भी तैयारी आप करके उसको याद कर लीजिए।